अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 का रिवाइज करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। मोस्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू कंफ्यूज एंड इरिटेट द ऑपरेटर, बट अदर वायरस कैन प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल टू ए कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारे वायरस प्रोग्राम्स ऑपरेटर को इरिटेट करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, बट कुछ वायरस जो है वो उस कंप्यूटर सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रूव होता है। दे कैन मॉडिफाइड आवर क्रॉप फाइल्स, डिलीट डाटा, स्टील पासवर्ड एक्सेट्रा। और वो हमारे जो कंप्यूटर में मॉडिफायर्स है या फाइल्स है, डाटाज है, पासवर्ड है, उनको पूरी तरह डिलीट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। दे स्टार्ट इंजेक्टिंग प्रोग्राम फाइल्स इन विंडो प्रोसेसर, सेपरेट शीट पैकेजेस एक्सेट्रा। ये सबसे पहले उन प्रोग्राम्स पे इंजेक्ट, फाइल्स पे इंजेक्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो या सेपरेट शीट हो, पैकेज एक्सेट्रा हो। सम ऑफ द रूट्स थ्रू विच ए वायरस कैन अटैक द कंप्यूटर सिस्टम। कुछ रूट्स है जो कि उस कंप्यूटर सिस्टम्स पे ये वायरस अटैक करते हैं। पहला है फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। बी ए वेरी केयरफुल अबाउट पुटिंग ए फ्लॉपी डिस्क दैट हैज़ बीन इन ऑन अदर कंप्यूटर। जब हमें ये पुट करना है किसी दूसरे कंप्यूटर में तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए, नहीं तो इससे भी वायरस आ सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इन योर कंप्यूटर इवन इफ इट इज़ फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स। दूसरा टाइप है फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से भी आ सकते हैं। वायरस कैन बी अटैच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट फाइल्स सच एज ग्राफिक्स एंड प्रोग्राम फाइल्स दैट पीपल डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। कुछ फाइल्स जब अटैच करते हो अलग अलग टाइप्स के इंटरनेट से, तो जैसे कि ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, फाइल्स वगैरह, और कुछ लोग जो है वो इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करने से भी आ सकते हैं। फ्रॉम ईमेल, ईमेल से भी आता है। वायरस ऑफ्टन ट्रैवल वेव ईमेल अटैचमेंट। वायरस जो है जब हम वेव ईमेल अटैचमेंट करने से भी, ट्रैवल करने से भी होता है। ईमेल मैसेज बाय देमसेल्फ डू नॉट कैरी वायरस। ईमेल से वायरस क्यों आते हैं? जब हम इसे केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं तो भी ये वायरस आते हैं। ओनली ex.com और अदर टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेबल फाइल्स कैरी ए वायरस। सिर्फ ex जो .coms वगैरह जो टाइप्स हैं वो इनको कैरी करते हैं, इन फाइल्स को। फ्रॉम ए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से भी आता है। कंप्यूटर नेटवर्क और ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर लिंक टुगेदर बाई ए लार्ज कंप्यूटर कॉल इट ए सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स जो सर्वाइवर्स हम जिसे कहते हैं, वो लिंक्स वगैरह उनसे भी आ जाते हैं। द सर्वाइवर एंड दिस कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली शेयर इंफॉर्मेशन। सर्वाइवर्स जब इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं तब भी आते हैं। इफ़ वन फाइल दैट इज़ यूज बाई सर्वाइवर नेटवर्क यूज़र बिकम्स इन्फेक्टेड विद ए वायरस। जब आप फाइल्स जो है वो नेटवर्क्स के थ्रू जब आप शेयर करते हैं, जब आप यूज़ करते हैं, तो भी ये इस पर इफ़ेक्ट करते हैं वायरस। द वायरस विल सॉफ्टली सेपरेट टू द अदर यूज़र्स। बाकी यूज़र्स से भी आ सकते हैं। अब इसके सिम्पटम्स क्या है? Symptoms of a computer virus. The possible indication that a computer has been infected by a virus the following. जिस तरह से हर चीज़ का एक सिम्पटम्स होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक सिम्पटम्स होता है कि जब आपके कंप्यूटर में वायरस आया है तो आपको कैसे पता चलेगा उसका सिम्पटम्स क्या होगा। You are unable to access the hard drive when booting from the floppy drive. आप कोई वहाँ पर एसेस नहीं कर पाओगे या फ्लॉपी ड्राइव्स वगैरह से, ठीक है।
द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव कॉन्स्टेंटली रन आउट ऑफ फ्री स्पेस। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जो है वो कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ फ्री स्पेस दिखाएगा आपको। स्ट्रेंज ग्राफिक आर शो इन योर कंप्यूटर मॉनिटर। एक स्ट्रेंज जो ग्राफिक्स वगैरह आपको शो करेगी आपके मॉनिटर पे कंप्यूटर। द फ्लॉपी ड्राइव आवर हार्ड ड्राइव रन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। जब आप इसको यूज़ नहीं करोगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे ये सब, ठीक है। प्रोग्राम्स एक्ट इरेटिकली। प्रोग्राम साइज कीप अल्टरनेटिंग, उसका साइज़ जो है वो अजीब अजीब से दिखाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्गर लोडेड देन नॉर्मल। नॉर्मल जो होगा वो लॉन्गर दिखाएगा, लोडेड होगा। जब आप कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, या कुछ जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। और आपके कंप्यूटर में जब कोई चीज़ आप चलाओगे वो तेज़ नहीं चल पाएगा, स्लोली चलेगा। कोई भी काम हो या आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो बार बार वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं और आपको इरिटेट कर देगा। कन्वेंशनल मेमोरी इज़ लेस देन। कन्वेंशनल मेमोरी जो है वो लेस दिखाएगा जब आप उसे यूज़ करोगे या इसको एक्सप्लेन करोगे। स्ट्रेंज साउंड, अजीब अजीब साउंड नॉइस वगैरह आएगा आपको वहाँ से कंप्यूटर कीबोर्ड से। जब आप कीबोर्ड पे जब आप कुछ टाइप करते हैं तो आपके कंप्यूटर से अजीब अजीब साउंड्स आना शुरू हो जाएगा आपको। फाइल्स हैव स्ट्रेंज नेम। फाइल्स का स्ट्रेंज नेम दिखाएगा, आइडेंटिफाई करेगा, उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा आप, ठीक है। अब जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो उसमें आपका फाइल्स होगा, आप उसको खोलोगे तो वो अजीब अजीब नाम दिखाएगा या नाम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो, ठीक है। ये हुआ इसका सिम्टम्स। प्रिकॉशंस आफ्टर गेटिंग ए कंप्यूटर वायरस। स्कूल, व्हेन यू आर ऑन ए स्कूल कंप्यूटर, अब जब आप स्कूल के कंप्यूटर पे होगा, इन्फॉर्म योर कंप्यूटर टीचर टू सबमिटेड ए रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर सपोर्ट इमीडिएटली। आप अपनी कंप्यूटर टीचर से इन्फॉर्म करेगा कि इसको सबमिट करने के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। होम, जब आप होम में होगा, इन केस यू डू नॉट हैव एंटीवायरस प्रोग्राम, जब आपके पास कोई एंटीवायरस नहीं होगा, गेट वन इमीडिएटली, एक आपको इमीडिएटली वो लेना है। इंस्टॉल द लेटेस्ट वायरस अपडेट अवेलेबल फॉर योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको वो वायरस जो है वो इंस्टॉल करना है, उसको अपडेट करना है, वहाँ पे अपडेट अवेलेबल होगा आपकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसको रन करना है। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ ए वायरस, उसके बाद जब वायरस रीड होगा तो रन योर एंटीवायरस, आपका जब उसमें जब वायरस होगा तो आपका एंटीवायरस जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर अगेन टू मेक श्योर। सॉफ्टवेयर जो है दोबारा से मेक श्योर करेगा वायरस हैज़ बीन इरिडिकेट, वायरस जो है वो इरिडिकेट हुआ है कि नहीं। सर्च फॉर ए वेबसाइट दैट कंटेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वायरस, सर्च करना है वेबसाइट से, ठीक है। वो एक डिस्क्रिप्शंस दिखाएगा वायरस का। इफ़ यू गेट एन ईमेल, जब आपको एक ईमेल मिलेगा तो कॉन्टेक्ट एवरी वन इन योर एड्रेस बुक एंड टेल देम टू बी ए लुक आउट, फिर वो आपकी हर एक से कॉन्टेक्ट करेगा जो भी उसका एड्रेस बुक होगा, उनसे बताएगा लुक आउट फॉर स्पेसिफिक ईमेल्स एंड अटैचमेंट, कि इसको ईमेल इस एड्रेस पे इसको अटैच करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस की यूजेस, एन एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग रिपेयरिंग एंड रिमूविंग वायरस इन्फेक्शंस फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ करते हैं इसको डिटेक्ट करना, इनको रिपेयरिंग करना या वायरस को रिमूव करना, उसमें जो इन्फेक्शंस फाइल्स पे जो इन्फेक्शंस फैला हुआ है कंप्यूटर पे तो उनको रिमूव करना, ठीक है। यू शुड आल्सो मेक श्योर एंटीवायरस स्टे अप टू डेट,
आपको ये हर अप टू डेट पे इसको शेयर करते रहना है, इसको हमेशा इस एंटीवायरस को स्कैनिंग करते रहना है। यू सेव योर कंप्यूटर अगेंस्ट, आप अपनी कंप्यूटर को सेफ रख पाओगे वायरस से। वॉर्म स्ट्रॉन्स, यू शुड इन्वेस्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सच एस, आप बार बार एंटीवायरस को वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप अपनी कंप्यूटर को सेव रखोगे, वायरस से आप बचाओगे। आप इसके कुछ नाम्स हैं, नॉर्टन, पंदा एंटीवायरस, ई ट्रस्ट, ईजी एरोमर सूट, क्विक हेल, ट्रेंड पी सी, क्लैन वेबलिंक, एफ स्क्वेयर एंटीवायरस, एम सी एफ ई, ए वी जी प्रोफेशनल वगैरह, ठीक है। यू शुड इंस्टॉल एंटीवायरस, इन टू एंटीवायरस को आपको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे, ताकि ये आपको आने वाले आपके जो कंप्यूटर में जो वायरस आएगा उससे आपको बचा सके, उसको आपने स्कैनिंग करते रहना है, ठीक है। आज के टॉपिक यहीं तक, खुदा हाफिज़।